गुड इवनिंग बच्चों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लास एट्थ में चैप्टर आपका है गृह प्रबंध। तो आज हम आपके लिए गृह प्रबंध टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण, जो जीरो क्लास से हैं जिनको भी होम साइंस डिटेल नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं गृह प्रबंध में क्या पढ़ना आपको, साज सजावट क्या है, घर की सजावट कितने तरीके से की जाती है, और सजावट करने के क्या क्या नियम हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इसके साथ साथ सजावट करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही आसान भाषा में जहां से आपने शुरुआत करते हैं वहीं से आपको हम बताना शुरू करेंगे, एकदम अपनी सरल भाषा में, जिससे आपको सारी बातें एक बार में ही समझ में आ जाए। तो देखिए, गृह मतलब घर, प्रबंध मतलब व्यवस्थित करना, यानी घर को व्यवस्थित करना, घर को एकदम सही तरीके से सब कुछ जिस स्थान पे हो उस स्थान पर रखना, जिससे हमारा घर व्यवस्थित रखे, सुंदर रहे, अच्छा रहे, देखने को मन में शांति मिले, ये सब चीजें हम प्रबंध करके यानी घर का प्रबंध करके कर सकते हैं। तो उसी गृह प्रबंध में यानी घर के व्यवस्थित करने में हम पढ़ेंगे साज सज्जा किसे कहते हैं। देखिए, साज सज्जा मतलब आप जानते हो कि घर को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, देखने में अच्छा लगे, बहुत ही सुकून दे, बहुत ही हमें अच्छा लगे, वाह मेरा अच्छा, कितना अच्छा कमरा है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है, इस तरीके से मन को शांति मिले, तो हमारी क्या होती है, साज सजावट होती है। तो साज सजावट में क्या है, जो घर की वस्तुएं को व्यवस्थित करना। देखिए, बहुत महंगी महंगी चीज़ों को हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैं कैसे अपने घर को अच्छा रखूं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी आपके पास सामान है, बस उन्हीं को अच्छी तरीके से जहाँ पर उसका स्थान है वहीं पर आपने स्थान पे सामान को रखेंगे, तब आपका घर वैसे भी व्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से लगने लगेगा। यही आपको ध्यान में रखना है, यही सजावट का यहाँ पर मतलब होता है, कि जो घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अच्छी तरीके से, एक बराबर से, व्यवस्थित तरीके से रखना ही साज सज्जा कहलाता है। अब देखिए, जो सजावट होती है, क्या होता है कि हम सामान को, ऐसे बच्चों की आदत होती है कि सामान को अपना लिया, अपना बैग लिया, अपना बिस्तर जो है, जूते मोजे इधर से उधर फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आपने सामान को एक जगह पे रख देते हैं और जहाँ पे जो चीज़ टांगना है वहाँ पे टांग देते हैं, जहाँ पे जो चीज़ रखना है उसको रख देते हैं, तो आपका घर ऑटोमेटिक सुंदर लगने लगे कि आपने सारी चीज़ को सही स्थान पर रख दिया, बिस्तर पर सारी चीज़ जो पड़ी हुई है उसको हटा देना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, यही होता है व्यवस्थित करना घर को, ठीक है। अब घर की सजावट कितने रुपए में, दो रूपों में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे है। पहला होता है बाह्य सजावट, बाह्य मतलब बाहरी, यानी घर के बाहर, और आंतरिक का मतलब होता है घर के अंदर। घर के अंदर क्या होता है, आंतरिक होता है, और घर के बाहर मतलब बाह्य सजावट होते हैं। तो देखिए, बाह्य सजावट में क्या होती है, हमारी जैसे हमारा घर पुताई नहीं हुई है तो अच्छे से रंगाई कर लेना, पुताई कर लेना अच्छे से, रिपेयर नहीं हुआ है कहीं कहीं खराब हुआ है बीच बीच में तो उसको क्या करना, मरम्मत करवा लेना। ये सब बागवानी मतलब क्या होता है, जो इससे आपके आप सामने जमीन है तो वहाँ पर फूल लगा सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से पेड़ पौधे छोटे छोटे लगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये आपकी बाहर से ही देखने में घर आपका अच्छा लगने लगेगा। तो हम बाहरी सजावट में घर के बाहर की जो सजावट करते हैं उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उसे ही बाहरी सजावट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, रंगाई, पुताई और बागवानी आता है, ठीक है। दूसरा आता है आंतरिक सजावट, यानी जब घर के अंदर हम साज सज्जा रखते हैं, इसमें हमारा स्नान गृह यानी जो हमारा घर बाथरूम होता है उसमें जैसे साबुन रखने का स्थान है, तौलिया टांगने का स्थान है, और भी चीज़ें जो रखा जाता है सुसज्जित तरीके से रखा हो रहे थे, पता लगा आपने यूज किया और नीचे ही रख दिया फर्श पर ही, तो इससे क्या होगा, आपका इधर उधर दिखाई पड़ेगा, तो वो आपका नुकसान भी होगा और इसके साथ साथ देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अपने स्नान गृह को सुंदर बनाए, सही तरीके से व्यवस्थित करें। शयन का मतलब आपका जहाँ पे सोने का कमरा है उस सोने के कमरे को भी व्यवस्थित तरीके से रखें, बिस्तर आपका सही तरीके से लगा हुआ हो, चादर सही तरीके से बिछे हुए हो, आपके अगल बगल जैसे आपके क्या लैंप है,
लाइट लैंप है उसको भी रखें, बगल में मेज रखें, उस मेज पे अपना वॉच रखें यानी घड़ी रखें, और अन्य भी चीजें फूल को पॉट रख सकते हैं, देखने में सुंदर लगे, लाइट आपकी ज्यादा ज्यादा तेज वाली लाइट, कम तेज वाली लाइट, इस तरीके से आप नाइट वाली लाइट अलग अलग रख करके अपने शयन कक्ष को अच्छा बना सकते हैं, जहां पर आप सोने पे बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये होता है हमारा शयन कक्ष कैसे बनाएंगे। बैठक का मतलब जहां पे बैठ करके आपका ड्राइंग रूम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे उसमें देसी शैली भी होती है, विदेशी शैली भी होती है। तो अपने सामान को बैठक क्रम में, जैसे बिस्तर आपको सही रखना है, टेबल सही रखना है, सोफे सही रखना है, और उसके बाद फर्श पे बिछी हुई आपके होते हैं दरी या कालीन बिछाई जाती है जिससे देखने में आपका अच्छा लगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पढ़ने का कमरा आपका सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, यानी घर के अंदर हम सजावट जो करते हैं वो हमारा आंतरिक सजावट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, हम सजावट करते समय किन किन नियमों का ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो सजावट के क्या नियम हैं, इनमें पांच नियम को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, अनुरूपता, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन और हिंदी में बोलते हैं अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब एक अनुरूप हो, एक बराबर मात्रा में हो, न तो कम हो न तो ज्यादा हो, उसी को बोलते हैं अनुरूपता। क्या बोलते हैं, अनुरूपता। इसमें क्या है, जैसे कोई चीज़ हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, कमरे में आप कोई चीज़ जैसे आप बना रहे हैं, आप वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, वॉल पे आप कोई चीज़ लगा रहे हैं, वॉल हैंगिंग लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लाइन पे ध्यान रखना है कि हमारा कमरा कैसा हो, उस कमरे के अनुसार वर्टिकल लाइन यानी लंबवत लाइन का प्रयोग करके कोई चीज़ बनाई जाए, ठीक है, और कमरा बड़ा हो तो चौड़ी वाली लाइन का प्रयोग करके कुछ बनाया जाए डिज़ाइन। आकार मतलब जब कमरा छोटा हो तो कोई चीज़ जो है छोटे ही आकार में चीज़ों को बनाई जाए, बड़ा हो तो बड़े आकार के बनाई जाए, नहीं तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता है और देखने में सुंदर नहीं लगता है। बनावट जैसे हमारा कमरा हो उसी के अनुसार सजावट की जाए, उससे ज़्यादा हाई फाई करने से भी वो कमरे में जो है उसकी शोभा नहीं देता है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमारा कमरा हो उसी के अनुसार हमें रेखा का ध्यान रखना, आकार का ध्यान रखना, बनावट का ध्यान रख करके करना चाहिए। दूसरा आता है अनुपात, अनुपात मतलब एक बराबर अनुपात में, और एक बराबर अनुपात का मतलब होता है जैसे आपका टेबल है, टेबल पे आप कोई चीज़ बिछा रहे हैं, टेबल कवर बिछा दिया आपने, तो अगर किनारे किनारे फूल आप रख रहे हो तो फूल एक बराबर में होना चाहिए, इसको बोलते हैं संतुलित करना। संतुलित मतलब कि जिस कलर का फूल यहाँ पे हो, जिस डिजाइन का वहाँ भी होना चाहिए, ना तो छोटा हो ना तो बड़ा, एक बराबर हो, एक समतल अवस्था में हो, समतल हो, एक समान अवस्था में हो, देखने में हो क्या होगा, वो आपको आकर्षक लगेगा, एक संतुलन दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे आप कपड़े भी पहनते हो तो एक बराबर मात्रा में कि हमें ऊपर अच्छा लग रहा है, सही है, हमारी बॉडी के अनुसार एक नहीं है, पता लगा बहुत मोटे हैं तो बहुत टाइट कपड़ा पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यानी आपके अनुपात में वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अब संतुलन का मतलब होता है कि एक बराबर मात्रा, संतुलन का मतलब होता है एक बराबर मात्रा, जैसे आपका यहाँ पर कुर्सी आपने गोल वाली मेज लगाया है तो उसके चारों तरफ एक बराबर मात्रा में कुर्सी लगी होनी चाहिए, नहीं तो क्या किया पता ना लगा, यहाँ कुर्सी लगाना चाहिए आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाना चाहिए यहाँ, यानी एक बराबर मात्रा में नहीं, यानी एक स्थान पर एक संतुलन बना रहे और जिससे देखने में घर आकर्षक लगता है, चीज़ें रखी जाती है वो भी सुंदर लगती है। नहीं तो आपको फूल रखना है बीच में, आपने यहाँ फूल यहाँ पे रख दिया है, बीच बीच में रखना है आपको किनारे किनारे फूल, तो आपने क्या किया नीचे ला के रख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, संतुलित अवस्था में ये बना रहे, तो ये होता है एक बराबर मात्रा में रखा जाए। तीसरा आता है हमारा दबाव, दबाव का मतलब होता है आकर्षण। अब देखिए आकर्षण का मतलब क्या होता है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखना। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे साड़ी होता है, साड़ी में सबसे ज़्यादा हैवी किसको बनाया जाता है, जो बॉडी जो साड़ी का आंचल होता है उसको ज़्यादा हैवी बना देते हैं, या जो बॉर्डर होता है उसको ज़्यादा पूरी साड़ी हल्की कर देते हैं और बॉर्डर को मोटा वाला बॉर्डर लगा देते हैं, या आंचल को हैवी भारी कर देते हैं, इससे क्या होगा देखने में अच्छा लगता है, यानी पूरी साड़ी को हैवी ना बना करके बल्कि बॉर्डर को या आंचल को हैवी बनाते हैं, इसी को बोलते हैं दबाव, यानी किसी एक स्थान पर फोकस ज़्यादा करना ही दबाव या आकर्षण कहलाता है। किसी पूरे स्थान पर ना करके किसी एक स्थान,
जैसे अब आपका सारे कमरे में डाइनिंग रूम आपका होता है तो उसको आप सबसे अच्छा बनाते हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके नात रिश्तेदार और अन्य फ्रेंड्स सभी लोग आते रहते हैं। यदि वो आपका कमरा अच्छा नहीं होगा तो आप उस पर क्या है तो आपको बेइज्जती महसूस होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फूहड़फन लगेगा कि आपने इधर उधर सामान को फैलाया हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, यानी आपका पूरे कमरे में ड्राइंग रूम आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों का ध्यान आपके कमरे यानी ड्राइंग रूम की तरफ जाए। तो ये होता है आपका दबाव, इसी को दबाव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, उसके चारों ओर कम वस्तु महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखना। जैसे आपकी साड़ी है, साड़ी में आंचल और बॉर्डर को हैवी कर दिया, पूरी साड़ी को हल्का कर दिया, यानी एक स्थान पर फोकस कर दिया। तीसरा आता है आपका लय, लास्ट आता है लय, यानी वस्तु को क्रम से रखना। वस्तु को क्रम से रखने का मतलब है कि जहाँ पर आपका बिस्तर लगा है वहाँ पे बिस्तर के सामान, जहाँ पे आपके गुलदस्ते हैं फूलदान है वहाँ पर फूलदान के सामान, और इसके साथ साथ जहाँ पे आपके टेबल है टेबल से संबंधित सामान, एक क्रम में एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, जिससे आपको फूहड़पन कहने का मौका किसी को ना मिले, जिससे आपका घर सुव्यवस्थित सुनियोजित लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं यानी वस्तु को एक क्रम में रखना। ठीक है, अब आता हमारा सजावट के क्या क्या साधन होते हैं। सजावट के क्या, अब देखिए यहाँ पे लय समझ में आ गया होगा कि वस्तु को एक क्रम में रखना है, उसी तरीके से रखना, खराब न लगे आपका, जहां पर जो सामान है उसी स्थान पे रखना, एक देखने में लय, यानी जैसे आपकी कोई चीज रखे हैं, जैसे गुलदस्ता रखे हैं तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपकी आंखें एक ऑटोमेटिक उसकी तरफ चली जाएंगी और वो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे आपकी लाइट की भी देखिए, हल्की लाइट, फिर उससे डार्क लाइट, फिर उससे डार्क लाइट, इस तरीके से आप सजावट करते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है, एक लय बना रहता है। तो ये होता है। अब सजावट के साधन में क्या है, सजावट के जैसे आपके घर में जो शैली भी होती है दो तरीके से सजाया जाता है कोई भी चीज़ें, एक देसी सजावट होती है यानी भारतीय शैली होती है, एक विदेशी शैली होती है जिसको पाश्चात्य शैली भी कहते हैं। भारतीय शैली मतलब क्या होता है कि आपका बैठक रूम होता है तो उसमें एक तख्त होता है, कुर्सियाँ होती हैं और इसके बाद पर्दे होते हैं, तो ये कॉमन चीज होती है, इतनी चीजें आपके कमरे में रहते हैं, बिस्तर अच्छे से बिछे हुए होते हैं। जबकि जो हमारा पाश्चात्य शैली होती है, इसमें आपके बेडरूम जैसा बेड होते हैं अच्छे तरीके से, उसमें दो चार सोफे, दो सेट सोफे लगे होते हैं और दरी या कालीन नीचे फर्श पे बिछी होती है, दीवारों को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है और इसके साथ साथ खिलौनों से संबंधित चीज़ों को सजाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये विदेशी शैली जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। देसी शैली में हम अभी आपको मैंने बताया ही, तख्त, कुर्सी, मेज और पर्दे, टीवी, ये सब चीजें आपकी कॉमन चीजें होती हैं, ये आपके देसी शैली में मिलेगा आपको। नेक्स्ट में हम आते हैं सजावट के क्या क्या साधन है, किससे अपने घर को हम सजावट कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो पहला हमारा था फर्नीचर, यानी आपके घर में फर्नीचर यानी कुर्सियां होनी चाहिए, जिससे आप कोई आए तो उसको आप आसानी से बैठा सकें और असुविधा कोई ना हो। ठीक है, और ये कुर्सी भी आपके जैसा आपका कमरा हो, छोटा कमरा हो तो उसी के अनुसार, बड़ा कमरा हो तो आप सोफे का भी प्रयोग कर सकते, सोफे भी खरीद सकते हैं, जैसा आपकी स्थिति होती है वैसे ही कर सकते हैं। जो दूसरा आता है चित्र, यानी अपने हम दीवारों पर अच्छी तरीके से चित्र लगा सकते हैं, पेंटिंग बना करके लगा सकते हैं तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तीसरा आता है पेंटिंग, मैंने अभी आपको बताया, पत्र पत्रिकाएं, जैसे आपकी अलमारियां हैं तो अलमारी में रैक में आप अच्छी तरह जो अच्छी अच्छी रोचक कहानियां वाली किताबें, जानकारी वाली किताबें एक रैक में सजा सकते हैं, ये देखने में आपको अच्छा लगेगा। पर्दे, पर्दे भी आपके अच्छे भी पर्दे जो है आपको धूप से बचाते हैं और इसके साथ आधी दुकान से बचाते हैं, इनको भी आपका अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप रोज रोज नहीं खरीदते हैं तो ये आपका दिखने में जैसे आपके कमरे में दीवार पुती होती है उसी के अनुसार उसी कलर का पर्दा भी होना चाहिए, उसी कलर का बिस्तर होना चाहिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। इससे हमें जो कमरा होता है एक समान दिखता है, एक लय में दिखता है। अब हमारा कालीन व चटाई, यानी हमें जो हमारी फर्श होती है उसमें हम कालीन या चटाई या दरी बिछा सकते हैं, जिससे कमरे को हम अच्छा बना सकते हैं। फूल, यानी हम मैंने बताया बाहरी सजावट में आप फूल बागवानी कर सकते हैं, अपने घर में छोटे छोटे फूल रख सकते हैं, यानी घर के अंदर भी रख सकते हैं, तो इससे भी हम घर को सजा सकते हैं। रंगोली बना सकते हैं, देखिए रंगोली फर्श भी बनी हुई होती है और इसके साथ साथ आपकी बाहर भी आप मेन मौके पर तीज त्यौहार पड़ने पर भी हम रंगोली बनाते हैं घर को सुंदर बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी सजावट के साधन। सजावट के साधन का मतलब है जिन जिन साधनों का प्रयोग करके हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं उसे ही सजावट के साधन कहलाते हैं। अब यहाँ पे सजावट के नियम मैंने बताया 5 होते हैं,
अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव और लय, पांच क्या होते हैं, सजावट के नियम होते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सजावट कितने तरीके से की जाती है, दो तरीके से की जाती है, क्या क्या है, एक बाहरी सजावट होता है और एक आंतरिक सजावट होता है। बाहरी मतलब जहाँ पर हम बाहर करते हैं और आंतरिक का मतलब हम घर के अंदर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई जिसमें हम जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने घर को सुंदर आकर्षक बना सकते हैं, कम पैसे में अच्छा बना सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो याद रखिए। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सजावट कितने रूपों में कर सकते हैं, दो रूपों में, एक बाहरी सजावट, एक आंतरिक सजावट। दूसरा क्वेश्चन, हमारा सजावट के कितने नियम है, पांच नियम है, क्या क्या है, अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव और लय, ये होते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपका है कि सजावट के क्या क्या साधन होते हैं, तो सजावट के ये साधन होते हैं, फर्नीचर, पर्दे और चित्र, पेंटिंग्स, रंगोली, फूल, पेड़, ये सब चीज़ें हम घर को सजावट कर सकते हैं। कितनी शैली होती है सजावट की, दो शैली होती है, एक भारतीय शैली के द्वारा, एक विदेशी या पाश्चात्य शैली के द्वारा। चार से पांच क्वेश्चन इसमें से आपके आएंगे, तो आप कंपटीशन वाले भी ये नोट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी जो क्लास 8th का है वो भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।